हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित ऋषा वर्मा में। और आज की इस वीडियो में हम आपको अपने दिल्ली से हरिद्वार तक के ट्रेन के सफर की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप भी दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कुल कितनी ट्रेन हैं जो हरिद्वार जाती हैं और उनकी क्या टाइमिंग रहती है, दिल्ली में वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पे चलती है, उनका किराया कितना होता है और वो सभी ट्रेन हरिद्वार में पहुंचने में कितना समय लगाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि अगर आपने ट्रेन की टिकट एडवांस में बुक नहीं कराई है तो वहां आप डायरेक्ट जाकर कैफे टिकट बुक करा सकते हैं और उसमें आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेट होकर हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना टाइम खराब करें शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अपना दिल्ली से हरिद्वार तक का सफर कौन सी ट्रेन से किया था। तो हमारी जो ट्रेन थी वो देहरादून शताब्दी थी, जो नई दिल्ली से सुबह 7:45 बजे चलती है और लगभग 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचा देती है। ये ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार तक जाते समय वाया सहारनपुर होते हुए जाती है, जिसमें आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। वैसे इस ट्रेन में आपको खाने पीने की पूरी सुविधा मिल जाती है और इसकी सीट भी बहुत कम्फर्टेबल रहती है। देहरादून शताब्दी के अलावा 9 ट्रेन है जो दिल्ली से हरिद्वार के लिए जाती है, जिसमें पहली जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 19609 है, जो उदयपुर से चलकर योगनगरी ऋषिकेश जाती है। ये ट्रेन आपको दिल्ली में दिल्ली कैंट, पुरानी दिल्ली या फिर शाहदरा से मिल सकती है। दिल्ली कैंट से ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 2:25 की है। पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन 3:25 पर चलती है और शाहदरा से इस ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 3:41 की है। उसके अलावा दूसरी जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 12401 है, जो कि कोटा देहरादून एक्सप्रेस है। ये ट्रेन कोटा जंक्शन से देहरादून तक चलती है। ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से 11:30 बजे चलती है और हरिद्वार 4:00 बजे पहुँचा देती है। तीसरी जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 19019 है, जो कि बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस है, जो बांद्रा टर्मिनल से हरिद्वार तक चलती है। ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से 2:30 बजे चलती है और हरिद्वार 7:45 बजे पहुंचा देती है। उसके अलावा चौथी जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 19031 है, जो कि योगा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश तक जाती है। ये ट्रेन दिल्ली में सुबह पुरानी दिल्ली से 4:50 पर चलती है और हरिद्वार 11:20 पर पहुंचा देती है। पांचवी जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 22659 है, जो कि कोचुवली योगनगरी एक्सप्रेस है। ये ट्रेन कोचुवली से योगनगरी ऋषिकेश तक जाती है। ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से 5:50 पर चलती है और हरिद्वार 12:30 बजे पहुंचा देती है। उसके अलावा छठी जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 14317 है, जो कि इंदौर देहरादून एक्सप्रेस है। ये ट्रेन इंदौर जंक्शन से देहरादून तक चलती है। ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से 11:25 पर चलती है और शाम हरिद्वार आपको 4:40 पर पहुंचा देती है। सातवीं जो ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 18477 है, जो कि उत्कल एक्सप्रेस है। ये ट्रेन पूरी पे योगनगरी ऋषिकेश तक जाती है। इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन पे 1:00 बजे की है और ये हरिद्वार आपको 8:00 बजे पहुंचा देती है। आठवीं जो ट्रेन है दोस्तों, वो ट्रेन नंबर 12055 है, जो कि देहरादून जनशताब्दी है। ये ट्रेन नई दिल्ली से सीधा देहरादून जाती है, जो कि आपको नई दिल्ली पे 3:20 पर मिल जाती है और देहरादून आपको 7:30 बजे पहुंचा देती है। आखिरी जो ट्रेन है हमारी जो हरिद्वार जाती है वो ट्रेन नंबर 14041 है, जो कि मसूरी एक्सप्रेस है। ये ट्रेन आपको दिल्ली में पुरानी दिल्ली से 10:25 पर मिल जाती है और ये ट्रेन आपको हरिद्वार 6:15 बजे पहुँचा देती है। तो दोस्तों,
अभी हम पहुंच गए हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर और यहां हमारी ट्रेन का इंजन चेंज होगा और यह आगे फिर पीछे की तरफ लगाया जाएगा। यही कारण है कि अगर आप शताब्दी से आते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अगर बात करें आपने अपनी एडवांस टिकट बुकिंग नहीं कराई है तो आपको क्या करना है, सभी रेलवे स्टेशन पर आपको टिकट बुकिंग काउंटर मिल जाते हैं। आप चाहो तो वहां से अपने लिए जनरल कंपार्टमेंट का टिकट ले सकते हैं जो लगभग 120 रुपए के आसपास होता है। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हमारी ट्रेन ने हमें बिल्कुल ऑन टाइम 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचा दिया है। तो बस अब हम ट्रेन से उतरकर चलेंगे रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ और हमारी आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हरिद्वार आकर आप यहां कहां रुक सकते हैं, अच्छा भोजन कहां खा सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसको आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में हर हर गंगे और जय मां गंगे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय गंगे माता की।